एनसीईआरटी पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पर lakshya.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, आज का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। कई लोगों को ये चैप्टर बड़ा लंबा लगता है, बड़ा वियर्ड लगता है, बट इस चैप्टर को जैसे अभी तक हमने सारे चैप्टर 30 मिनट्स के अंदर विद ट्रिक्स देखे हैं, उसी तरह ट्रिक्स के साथ सारे इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ समझने वाले हैं ये चैप्टर। एक एक चीज देखेंगे उतनी डिटेल में जितनी डिटेल में एग्जाम में आएगा, कोई ज्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे, बट वो देखेंगे जहां हमें जरूरत है। देखो जैसे लाइफ प्रोसेस अगर पूछेगा तो सिर्फ इतनी सी एक लाइन लिखनी है कि प्रोसेसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। फिर नीचे व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये कौन कौन सी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, कौन कौन सी प्रोसेस है, वही हमें पढ़नी है। आओ नीचे आ जाओ देखते हैं। जैसे यहाँ पर समझाया गया है कि अगर हम कोई भी चीज़ें अबे हमें चाहिए लाइफ सस्टेन करने के लिए, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो है न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स लेने का प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन। फिर न्यूट्रिशन तो हमने ले लिया, फिर उसके बाद इसको ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, रिड्यूसिंग रिएक्शन से इसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने को क्या कहते हैं, डाइजेशन। और उसको अब्सॉर्व करने को कि बॉडी यूज़ कर सके उसका, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी जो भी हमने खाया है उसका यूज हो सके, ब्रेक डाउन हो फूड सोर्सेस का फॉर सेलुलर नीड, उसका यूज हो सके, सेल उसका यूज कर सके, वो क्या रेस्पिरेशन। ये सब हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस ओवरव्यू करो। ये यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे बगल में लिख दिया है। क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एनवायरमेंट। जैसे तुम हो उसमें तुम्हारी सारी सेल्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है अपनी सराउंडिंग के साथ, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन वहां पे काम नहीं करेगा मल्टीसेलुलर में। ठीक है, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ जल्दी। फिर अब हमने इतना कर लिया था कि ब्रेकडाउन कर लिया, अब ब्रेकडाउन कर लिया, एनर्जी बना ली, तो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू लगेंगी, वो प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। फिर अब सब कुछ खा लिया, पचा लिया, उसके बाद कुछ चीजें ना जो वेस्ट होती हैं हमारे लिए, उसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम इन सभी प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे। और याद रखना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक चीज की एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है। ठीक है, नीचे उसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो पर मैंने अभी बताया था, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी सारी सेल्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती एनवायरमेंट के साथ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो तुम कमेंट करके आंसर मुझे बताओ। बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे, न्यूट्रिशन पे। देखो न्यूट्रिशन मैंने बता दिया क्या होता है, अब यहाँ पर समझो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे पहला टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में समझते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या है वो समझने से पहले ये जान लो कि यार दो ही तो होते हैं बेसिकली, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, बाकी सब हेटरोट्रॉफ के अंदर आते हैं। और हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ, ये लाइन याद रखना। ठीक है, अब समझो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ये कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये समझो नीचे, ये है इसकी रिएक्शन। बट ये तीन पॉइंट समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 110% आ सकता है। तीनों स्टेप इस तरह से 1, 2, 3 करके लिखने होंगे 3 मार्कर में। पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, फिर अब जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई उसको कन्वर्ट करो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और ये रही अपनी रिएक्शन ऊपर, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये है अपना वाटर, ये एरो दे दिया ऊपर क्लोरोफाइड, ऊपर क्लोरोफिल और नीचे सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। और फिर ये जो रिएक्शन होती है यहाँ बनता है अपना ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। सिंपल सिंपल, बट याद रखना कि ये जो प्रोडक्ट, ये हमने स्टेप जो पढ़े 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 जरूरी नहीं कि एक सीरीज में हो, कि पहले 1 होगा फिर 2 फिर 3। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ये नीचे देखो जल्दी, दीज स्टेप्स, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग रात को लेते हैं
एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। नहीं समझे तो कोई बीकेएलई होगा जो इग्नोर करेगा इसको, मैं तुम्हें ध्यान से समझाने वाला हूँ। देखो क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन रहेंगे, स्टोमेटा अपना ओपन किए रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जितना भी स्टोमेटा है जिससे वाटर का एक्सचेंज होता है तो सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी होती है, तो इस चीज़ के लिए स्टोमेटा वो दिन में क्या करते हैं क्लोज, रात को करते हैं ओपन, और रात को ही इनटेक करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं जैसे कि CO2 का। तो क्या हो गया, ये स्टेप इस तरह से नहीं हुआ, अलग हो गया, जो अपना पहला ये वाला स्टेप है ना CO2 वाला, ये पहले हो गया और लाइट एनर्जी का स्टेप सेकंड पे रहेगा बाद में जब अगली सुबह होगी। समझ गए, चलो आओ नीचे जल्दी जल्दी जल्दी। बट डायग्राम देख लो बगल में क्या है, यहाँ पे रखना ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन, ये एयर स्पेसेस होते हैं यहाँ पे, एयर वैक्यूल, एयर स्पेसेस, और ये होती है गार्ड सेल्स। क्या होती है नीचे भी हम देखेंगे, एक्टिविटी 6.1, कोई भी एक्टिविटी तो हम मिस करते नहीं है, तो ये भी मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक्टिविटी 6.1 में क्या है, आओ देखो, हमने लिए लीव्स, फिर उसके बाद इनको वाटर, इनको एक बीकर में डाला है जहाँ पे क्या है अल्कोहल। जब अल्कोहल में डालोगे तो होगा क्या कि जो कलर था लीव का वो ग्रीन से क्या हो जाएगा कलरलेस, और अल्कोहल का कलर क्या बदल जाएगा ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल एक चीज़ की प्रेजेंस की वजह से जो है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पार्टिकल्स कौन से होते हैं क्लोरोफिल। अब क्या किया गया, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, फिर आयोडीन सॉल्यूशन जब डालते हैं तो क्या हो रहा है ब्लू कलर वहां पे आ जाता है, ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो कलर्ड पार्ट था लीफ का वहां पे स्टार्च बन रहा है, जो ग्रीन कलर पार्ट था लीफ का जो कलरलेस हो गया वहां पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। जो इस एक्टिविटी ने क्या समझा दिया हमें कि क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, समझ गया, चलो आ जाओ नीचे आ जाओ जल्दी। अब हम देखते हैं वही जो मैंने ऊपर बताया कि गार्ड सेल्स के बारे में, ये होती हैं गार्ड सेल्स, ये ऐसे ये जो बना हुआ है यहां पर देखो, ये जो एक है 1 और ये 2, ये हो गई गार्ड सेल। फिर उसके बीच में जो एरिया है ये एरिया, ये गार्ड सेल्स के बीच में जो एरिया दिख रहा है ये क्या है स्टोमेटल पोर, और ये ग्रीन क्या है क्लोरोप्लास्ट, वही क्लोरोफिल जो ऊपर हमने समझा, ठीक है। यहां पे आओ ये देखो क्या लिखा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल करती क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट करती है किसकी, स्टोमेटल पोर की, इसके बीच में ये है ना स्टोमेटल पोर। कैसे, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब पानी आता है तो ये स्वेल कर जाती है यानी कि फूल जाती है, फिर कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, जब ये फूल जाएंगी स्वेल हो जाएंगी तो ऐसे वाइडन अप हो जाएंगी, इधर इधर हट जाएंगी, बीच का स्पेस खुल जाएगा जो स्टोमेटल पोर, फिर जब पानी निकल जाता है तो ये स्वेल की जगह श्रिंक हो जाती है, पतली सी हो गई, और जब पतली होंगी तो ये इधर इधर आ जाएंगी, वाइडन अप की जगह अंदर आ जाएंगी और पोर बंद हो जाएगा। चलो अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.2। यहाँ पर याद रखना बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रोल क्या है, जो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्राइड रखा हुआ है, तो KOH का रोल क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेता है, और इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर पूछता है कि क्या स्टार्च सेम अमाउंट का है तो आंसर इज नो। चलो बहुत जल्दी जल्दी हमें हर एक चीज़ देखनी है बट इंपॉर्टेंस के साथ देखनी है, तो प्लीज़ जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो। अपनी स्क्रीन पे देखो एक पिक्चर जहाँ पर दिखाया गया है सारे स्टेप। इंजेशन मतलब क्या होता है, फूड को अपनी बॉडी में लेना, डाइजेशन फूड का डाइजेशन करना, लार्जर मॉलिक्यूल को छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, फिर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में आ जाए। नहीं समझे, अरे जो फूड डाइजेस्ट किया जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ बॉडी में क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन जैसे मान लो तुम्हारे पेट में है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाए ताकि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन जा सके, और फिर एसिमिलेशन है अगला स्टेप जिसमें क्या होता है जो एब्जॉर्ब फूड है वो हर एक बॉडी सेल ले पाती है अपनी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, और इजेशन लास्ट पार्ट जो है एक्सक्रीशन, जो रिमूवल कर देते हैं हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड का। अब यही हम समझेंगे एक एग्जांपल से, एक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल से, क्या है ऑर्गेनिज्म अपना अमीबा, देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, बहुत ही सिंपल सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये होता है फूड पार्टिकल, ये जहाँ पर रेड कलर का दिखाया गया है यह फूड पार्टिकल अमीबा, इसको खाना चाहता है, ये अपना है अमीबा। यहाँ पर सिर्फ क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिया हुआ है और ये पूरी ऐसी सी बॉडी, तो ये करेगा क्या सूडोपोडिया यानी इस तरह का ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेगा उस फूड पार्टिकल के अराउंड और फिर उसको इंगल्फ कर लेगा, देखो अंदर कर लिया इसको और फिर पूरा अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये
यहाँ पर हमने देखा कि एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस। उस टेम्पररी इंजेक्शन को एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया, याद रखना स्पेलिंग इसकी, ठीक है। फिर आ जाओ नीचे की पैरामीशियम, जो एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसा नहीं करता है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है जैसे फूड जहां से वो लेता है, बट अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, पैरामीशियम की हेल्प से फूड लेता है। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को समझने से पहले एक्टिविटी 6.3 देख लो यार, एक्टिविटी कोई भी मिस नहीं करनी हमें। यहां पर क्या किया गया है, स्टार्ट सॉल्यूशन लिया गया टेस्ट ट्यूब ए में बी में, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज? कलर चेंज किसमें होगा? बी में। क्यों बी में होगा बताओ? क्योंकि दोनों को सेम टाइम के लिए रखा गया, बट सलाइवा कहां डाला गया था? टेस्ट ट्यूब ए में, तो कलर चेंज हो रहा है अपना बी में। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और एब्सेंस ऑफ स्टार्च? कि बी में ही सिर्फ और सिर्फ स्टार्च प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है बताओ? अरे ये ए था, ये बी था, इसमें स्टार्च डाला गया, इसमें स्टार्च डाला गया, और ए है ये, यह है बी। क्या किया गया कि ए में सलाइवा डाला गया, तो उसके बाद देखा गया कि स्टार्च नहीं बचता है, बट बी में बचता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च में जब हम सलाइवा डालते हैं तो वो कन्वर्ट होता है सिंपल शुगर में, जिसको बोलते हैं माल्टोस, ठीक है। आओ नीचे आओ, जल्दी जल्दी से एक बार देख लो कि क्या उन कौन से पार्ट हैं तुम्हारे पास। अरे यार इस पे भी तो फोकस करो, डायग्राम पे डांग है ये, सबको पता है। माउथ है, बकल कैविटी, ओसोफेगस ये जो पाइप है, ठीक है, फूड पाइप, ओसोफेगस। फिर डायफ्राम ये ऊपर रहता है, रेस्पिरेटरी का वर्क करता है, रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है आगे देखेंगे। गैल ब्लैडर याद रखना क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है। तो बाइल डक्ट क्या करता है? यहाँ से पहुँचाता है, कहाँ से? लीवर से। ये लीवर में प्रोड्यूस होता है बाइल जूस, बाइल डक्ट उसको पहुँचाता है, और स्टोर कहाँ पर होता है? गैल ब्लैडर। पैनक्रियाज है, फिर अपेंडिक्स है जो कोई यूज़ का नहीं है, एनस नीचे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्टमक। चलो सिंपल समझ गए यहाँ पे। अब अगर हमें समझना है पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो ये रहा तुम्हारे सामने माउथ। माउथ में क्या हो रहा है? माउथ में क्या है पहले ये समझो, माउथ में क्या है यार तुम्हारे? अरे टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। टीथ क्या करते हैं? च्यू यानी चबाने में मदद करते हैं खाने को। टंग मिक्स करने में, टेस्ट के लिए, टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग पे, और स्वेलिंग फूड यानी फूड को स्वालो करने में हेल्प करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं आप समझो, कौन से ग्लैंड होते हैं माउथ में? रखना सैलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी एमीलेस। क्या नाम है? सैलिवरी एमीलेस, जो स्टार्च को सिंपल शुगर में माल्टोस में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर एक्टिविटी हमने देखा था। फिर वो फूड माउथ से ओसोफेगस की हेल्प से होते हुए आता है कहाँ? स्टमक में। स्टमक क्या करता है? स्टमक के अंदर होते हैं तीन एंजाइम, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन यार एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। एक काम तो ये है एसिडिक मीडियम बनाना। क्यों? क्योंकि जो पेप्सिन आया है वो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, इसके लिए HCl एसिडिक मीडियम बनाता है, और जो जम्स आ जाते हैं खाते समय उसको किल करता है, क्योंकि एक अच्छा एसिड होता है। फिर म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो HCl है वो एक एसिड है, उससे प्रोटेक्ट करता है क्या? हमारा खुद का ही म्यूकस, इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग को। फिर आ गया फूड अपना स्टमक से कहाँ पे? अगली जगह, स्टमक से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। सबसे पहले समझो बाइल जूस। मैंने अभी बताया कि बाइल जूस बनता लीवर में है, स्टोर गैल ब्लैडर में होता है, और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस लिए? फैट डाइजेस्ट करने के लिए। फिर पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट क्या करता है? प्रोटीन एंड फैट। फिर इंटेस्टाइनल जूस क्या क्या काम करते हैं? प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर अपना फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां होता है सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इतना समझ गए? फिर जो फूड बच गया जिसका कोई काम नहीं है वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद, जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। चलो इधर आ जाओ। अब जितना तुमने ऊपर पढ़ा इंटेस्टाइन के बारे में, उसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने हाईलाइट किए जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचटर मसल। कौन सी मसल से? स्पिंचटर मसल से। विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ये स्टमक है, इससे रिलीज कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, SI में। किसकी हेल्प से? स्पिंचटर मसल की मदद से। अब लेंथ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना कार्निवोर्स में शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों शॉर्टर क्यों होती है? क्योंकि वो लोग मीट खाते हैं और मीट ईजियर होता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए उनके पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन है। याद रखना अगर कोई पूछता है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है,
तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? अभी बताया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। इसलिए फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, VILLI, ये है क्या? ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वाइन वॉल है, क्या ये स्मॉल इंटेस्टाइन की SI की वॉल है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर इस तरह के बने होते हैं, इसको बोलते हैं विलाई। ये इस तरह से बने ही इसलिए होते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया हो, देखो इसके बाहर ज़्यादा सरफेस एरिया हो ताकि ज़्यादा अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो पाए। ठीक है, इधर देखो सब समझ में आ जाएगा। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। देखो सरफेस एरिया बढ़ जाता है अब्जॉर्प्शन के लिए। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन हो, और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हमने अब्जॉर्ब किया फूड वो ब्लड में आ जाए। मैंने समझाया था ना, ब्लड में आना जरूरी है ताकि पूरी बॉडी न्यूट्रिशन ले पाए। ठीक है, चलो समझ गए। अनअब्जॉर्ब फूड कहाँ, एनस के थ्रू निकल जाता है, और वहाँ भी कौन सी मसल है, वही सेम स्फिंक्टर मसल। डेंटल केरियस क्या होती है यार, बहुत सिंपल सा, कि डीमिनरलाइज होता है हमारा इनेबल ज़्यादा एसिड की वजह से। चलो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ सकते हैं, पहला डिफरेंस क्या ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन में, बहुत ईजी, क्लास 3 से पढ़ रहे हो। दूसरा, व्हाट इज रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, मैंने बताया था ना रोल, जर्म्स को किल करता है और एसिडिक मीडियम बनाता है कि एक्शन ऑफ एंजाइम के लिए, एंजाइम अपना एक्शन कंप्लीट कर पाए, जैसे पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन की जाती है फूड अब्सॉर्ब करने के लिए, तो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में लिख देना, विलई के बारे में और लेंथ के बारे में, कि लेंथ कैसे होती है, कैसे वेरी करती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ऑटोट्रॉप्स में और हेटरोट्रॉप्स में। चलो यहाँ तक पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आ जाओ अब अपने अगले टॉपिक रेस्पिरेशन पे। क्या करना है रेस्पिरेशन में यार, क्या पढ़ना है रेस्पिरेशन में? सबसे पहले तो ये देख लो एक्टिविटी क्या है। ये एक्टिविटी में हम यहाँ से तो पिचकारी से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर। जब भी पिचकारी तुम खाली चलाओ कभी होली वाली, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पे आएगी। यहाँ हमने ले रखा है लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में डाल रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर, और यहाँ खुद से फूक रहे हैं ट्यूब पे, खुद से फूक रहे हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं। कहाँ पे? सेम वही चीज़ में, लाइम वाटर में। तो होता क्या है, ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल रिएक्शन होगा। मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है यार उस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, चैप्टर 2 में, कि लाइम वाटर होता है CaOH2, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ब्लो करी, ठीक है, एयर बाय माउथ, और ये तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है वाइट कलर का, इसकी वजह से सब कुछ मिल्की हो गया, जिससे क्या प्रूफ हुआ कि इस वाले में तो नहीं हो पाया जहाँ पे हम नेचुरल एयर डाल रहे थे, बट अपने माउथ से जब किए तो इस वाले में हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि जो एक्सहेल्ड एयर, जो एयर हम एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, उसमें ज़्यादा CO2 होता है। किसकी मात्रा में, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक एयर के। फिर इस एक्टिविटी में बस इतना पूछा है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो कई लोग जानते होंगे क्या होता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट होता है CO2 और अल्कोहल, कैसे क्या सब कुछ नीचे हम समझेंगे। बट समझने से पहले समझ जाओ एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप का है और उन दोनों के डिफरेंस तुम्हें आने चाहिए। डिफरेंस ये देखो, ये सामने तुम्हारी टेबल में लिखा हुआ है, जब भी क्वेश्चन आता है तो ये पूरा तुम्हें बनाना पड़ेगा कि एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक विथाउट ऑक्सीजन, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक में इनकम्प्लीट या पार्शियल बैकग्राउंड। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, एनारोबिक में क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं आएगा प्रोडक्ट बनके, बल्कि वहाँ पे कभी इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड तो कभी लैक्टिक एसिड आएगा, अलग अलग केसेस में, अभी हम समझेंगे ये सारे केसेस। और अपना अगला पॉइंट कि एरोबिक में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, अनएरोबिक में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। और चलो देख लेते, जो मैंने बताया केसेस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, सबसे पहले समझो ग्लूकोज होता क्या है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अरे 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, यही तो होता है ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इधर गया इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के ही अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, वो पायरवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, पायरवेट में। यह है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, C6 से किसमें कन्वर्ट हो गया, C3 में, और एनर्जी। फिर अब ये हो गया 3 केस, 1, 2 और 3rd केस। पहला केस है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कौन सा, एरोबिक या एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक। एनारोबिक कौन सा एग्जांपल लिया गया यहाँ पे, ईस्ट का, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इथेनॉल, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी।
फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन एक और एनरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है मतलब एनरोबिक, ये कहाँ का केस लिया गया है, पहला तो ईस्ट का केस था, दूसरा मसल सेल का। यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, याद रखना यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा, CO2 नहीं, इस केस में CO2 इथेनॉल एनर्जी। फिर थर्ड है अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जिक, और अगर प्रेजेंस ऑफ O2 है तो ये एनरोबिक हुआ या एरोबिक, जल्दी बताओ कमेंट करके जल्दी। चलो ये वाले बॉक्स से सिर्फ ATP का फुल फॉर्म पूछेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ओनली फुल फॉर्म। नीचे आ जाओ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कि तुम ऑब्जर्व करो फिश को एक एक्वेरियम में और देखो कितने बार अपना माउथ ओपन करती है क्लोज करती है, माउथ ओपन और क्लोज करती है, तो तुम देखोगे कि यहाँ जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है, आर द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ एंड गिल कोऑर्डिनेटेड। जो देखो ऐसे मछली है, मान लो एग्जांपल मेरी गंदी सी ड्राइंग का, तो ये जो माउथ है और ये साइड में जो गिल होता है गिल्स, इसकी क्या टाइमिंग कोऑर्डिनेटेड है कि जब ये ओपन हो रहा है तभी ये ओपन हो रहा है थोड़ी देर में। हाँ यस, काउंट द नंबर, तो नंबर डिपेंड होता है यार फिश के साइज पे कि कितने बार ओपन करेगी माउथ कितने बार क्लोज। फिर कंपेयर दिस टू ह्यूमन, तो ह्यूमन तो सिर्फ 12 से 16 बार पर मिनट करते हैं, फिशेस ज़्यादा करती हैं, एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा करते हैं। क्यों क्यों ज़्यादा करते हैं? क्योंकि एयर की बात हो रही है और वाटर की, एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ होते हैं? वाटर में ही होते हैं, और वाटर के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ठीक है वहाँ पे O2 बहुत कम होती है, एयर में ज़्यादा है। अरे यार तुम खुद सोचो, तुम्हें अगर एक बैग दे दें और मैं तुम इससे बोलूँ कि तुम्हें यहाँ पर एयर भरनी है, ऑक्सीजन भरनी है ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें ज़मीन में खड़े रह के बोलूँ, यहाँ पर बोलूँ कि अपने कमरे में बैठ जाओ या बाहर निकल जाओ और O2 भरो इसमें, तो क्या करोगे तुम? आराम से भी भरोगे ना तो O2 आराम से भर लोगे, ऑक्सीजन भर लोगे अपने बैग में, बट जो वाटर के अंदर है वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन है तो वो जल्दी 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 भरेगा। सेम उसी तरह जो एक्वेटिक एनिमल है वो जल्दी 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 सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएं, क्योंकि बहुत कम प्रेजेंट होता है वाटर में जबकि एयर में बहुत ज़्यादा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द बॉडी। इसलिए एक्वेटिक एनिमल का ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, फास्टर, ये लिखा ना यार, फास्टर देन दी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी जो जमीन पे रहते हैं। नीचे आ जाओ, यहाँ पे समझाया गया है कि अब ये जो एयर तो ले ली, ये कैसे ट्रैवल करती है, नसाल पैसेज और क्या क्या है यहाँ पे, इधर देखो 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 जल्दी देखो, नॉस्ट्रिल्स नंबर 1 यानी जो तुम्हारे नाक के जो तो दो छेद है ना, ये है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स हमने क्या ली? एयर। फिर ये एयर आई कहाँ पे? थ्रोट पे, ठीक है। याद रखना कि पूरी पूरी लाइनिंग किसकी होती है? हेयर की और म्यूकस की, यानी बाल होते हैं ना तुम्हारे नाक में, वो बाल क्यों होते हैं? ताकि डर्ट को ट्रैप कर सकें, गंदगी पकड़ सकें, और म्यूकस ताकि लाइनिंग सॉफ्ट रहे। फिर कहाँ आ गया? थ्रोट में। थ्रोट में क्या होते हैं? रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस पे एक ही क्वेश्चन आएगा कि ये क्या मदद करते हैं? कोलैप्स ना होने देते हैं, ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस कोलैप्स नहीं होने देते। अरे इधर लिखा यार, देख लो, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक है, बात तो सही है। देन अगला कहाँ आता है? ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वियोली में। ये एल्वियोली बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आ चलो नीचे देखते हैं। ये रहा नसाल पैसेज, यहाँ से एयर आई, ठीक है, यहाँ से एयर आई। फिर कहाँ माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया, ये आ गया अपना ट्रेकिया, ठीक है, जहाँ पे क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। फिर ये आया अपना ब्रोंकी, ये जो डिवाइड हो रहा है ना दो, अरे ऐसे हो क्या ऐसे और ऐसे, ये दो में जो डिवीज़न हो रहा है ये अपना क्या है? ब्रोंकी। फिर ये दो में डिवीज़न होकर फर्दर छोटा छोटा डिवाइड हो गया, देखो ये चीज़ें, ये फर्दर छोटा छोटा हो, ये हो गया ब्रोंकियोल्स, और ये जो फर्दर छोटा छोटा डिवाइड हुआ है ना, इसके आगे एक छोटा सा ऐसे बल्ब लाइक का एक डॉट प्रेजेंट है, देखो एक बल्ब प्रेजेंट है, जो ये क्या है? एल्वियोली। समझ गए पार्ट? समझ गए। और नीचे है ये डायफ्राग्म, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल करता है। अब आओ समझो नीचे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब भी हम सांस लेते हैं ना, जब भी तुम सांस लेते हो, मैं सांस लेता हूँ, तो जो एयर होती है, टेकन इन एंड टेकन आउट, टेकन इन एंड गिवन आउट, लेट आउट, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो जब भी तुम सांस लेते हो, सांस पूरी ले लो अंदर, फिर सांस छोड़ो, उसके बाद भी देखोगे पूरी सांस छोड़ने के बाद भी थोड़ी सी सांस बची रहेगी, वो क्या होता है? लंग्स हमेशा कंटेन करता है, होता है रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, ताकि टाइम इनफ तुम्हारे पास रहे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने का और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का। अपनी स्क्रीन पे देखो तुरंत, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ये सारी डेफिनेशन छोटी छोटी लिखी हुई हैं जो आ सकती हैं। नाउ
आगे आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक एनिमल? वही यार, एडवांटेज क्या होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, कि ऑक्सीजन ज्यादा होती है। कहां पर ज्यादा होती है? टेरेस्ट्रियल लोग के लिए, एयर में। फिर सेकंड क्या है? सारे के सारे ग्लूकोज के पाथवेज, वो वही फ्लो चार्ट में समझाया था। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर तुम्हें कमेंट में मुझे बताना है कि कैसे लंग डिजाइंड होता है ताकि मैक्सिमम एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इतनी अच्छी तरीके से देखने वाले हैं कि कहीं भी कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत 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 अच्छा टॉपिक है। आओ देखो, समझते हैं इसको कैसे। देखो, ट्रांसपोर्टेशन अगर मान लो मैं तुम्हें समझाना चाहूँ ऐसे कि तुम्हें क्या बनाना है, ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में तुम्हारे पास है शुगर सॉल्यूशन, और शुगर सॉल्यूशन ये एक बीकर में नहीं है, ये एक वाटर टैंक में है। अगर इसको मैं तुम्हें शुगर सॉल्यूशन एक टैंक में दे दूँ और बोलूँ कि तुम्हें इसे एक बिल्डिंग के 8वें 10वें फ्लोर तक भी पहुँचाना है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले शुगर सॉल्यूशन के लिए लोगे पानी, ठीक है। पानी यानी वाटर प्लस शुगर, तभी तो बनेगा शुगर सॉल्यूशन। यानी तुम्हें चाहिए होगा एक मीडियम। मीडियम क्या है शुगर डालने का? वाटर। फिर लगाओगे कुछ पाइप्स लगाओगे और पाइप्स के थ्रू पहुंचाना चाहोगे बिल्डिंग, चाहे थर्ड फ्लोर हो चाहे फोर्थ फ्लोर हो। और ये तभी पहुंचेगा पाइप्स के थ्रू जब एक सक्शन हो, जब एक प्रेशर हो, वो कौन बनाता है? पंप। बस बिल्कुल इसी तरह काम करता है हमारा हार्ट। देखो, जैसे वहां पर मीडियम था, यहां पर भी मीडियम है क्या? ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। जैसे वहां पे पाइप थी ना, यहां पे वेसल्स हैं, कौन सी? आर्टरीज एंड वेंस। वहां पे पंप था, इलेक्ट्रिक पंप, यहां पे अपना पंप है हार्ट। चलो, सब कैसे क्या हो रहा है सब कुछ देखते हैं। पहले हार्ट के बारे में कुछ फैक्ट वाली छोटी मोटी बातें जान लो कि हार्ट कितना बड़ा होता है? एक फिस्ट के बराबर, ठीक है। एक फिस्ट मतलब क्या होता है? एक मुट्ठी के बराबर। एक हाथ अपना बंद करो, ये जो मुट्ठी बनी इसके बराबर। फिर हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सेपरेट रखता है। इस डायग्राम को समझने से पहले इधर आ जाओ, ये समझो क्या बना रखा है मैंने। ये देखो, ये तो पैर है भाई, ठीक है, ये पैर है, इसको इग्नोर कर दो। ये नीचे पैर बना रखा है, ये ऊपर इस इंसान का सर बना रखा है, ठीक है, काफ़ी खुश इंसान है। ये गर्दन वर्दन है, लंग्स वंग्स हैं, सब कुछ है। बट ये जो पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल क्या है? सिर्फ और सिर्फ हार्ट। ये पूरा सर्कल क्या है? हार्ट। और हार्ट में क्या क्या हो रहा है, कैसे सेपरेट है, सब देखो। सबसे पहले ये जान लेना कि इधर वाली साइड क्या है, इधर वाली साइड कौन सी है? राइट साइड। कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। और इधर वाली लेफ्ट साइड है। समझाने से पहले मैंने तुम्हें यही बता दिया, इधर वाली राइट साइड, इधर वाली लेफ्ट साइड, ठीक है। ये है वेना कावा। तो राइट साइड लेफ्ट साइड, ये रहा पहला चैम्बर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या है? वेना कावा। यहाँ से क्या हुआ, ऐसे वेना कावा एक आर्टरी का नाम है। तो ये 1, 2, 3, 4, ये चार चैम्बर्स में कैसे ब्लड सेपरेटेड रहता है, क्या रहता है, सब समझेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे सारी पाइप्स तो समझ लो, ये वेना कावा है, ठीक है। एक, जैसे हमने चार चैम्बर समझे, चार पाइप समझो, ये वेना कावा, ये अओर्टा, ये पुल्मोनरी आर्टरीज और ये पुल्मोनरी वीन। चार चैम्बर और चार मेन अपनी पाइप्स के बारे में, वेसल्स के बारे में जान गए, नाम जान गए। अब सुनो जल्दी, कैसे ब्लड ट्रैवल होता है, कहाँ से किधर आता है। तो अगर अपना इस तरह से मैं येलो लाइन से दिखाऊं, यहाँ वेना कावा से ब्लड आया, ठीक है, वेना कावा से ब्लड आया कहाँ पे? अपने पहले चैम्बर में, राइट चैम्बर में। पहले वाले चैम्बर को, राइट चैम्बर को, जो ऊपर होते हैं ना, ये जो ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आट्रियम, ठीक है। और जो नीचे होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो कहाँ आया पहले ब्लड? ब्लड वेना कावा से आया ये अपने पहले चैम्बर में, ठीक है, जो है आट्रियम। फिर यहाँ पे, यहाँ से कहाँ गया? सेकेंड में, नीचे, यहाँ से नीचे गया, ये क्या है? वेंट्रिकल। फिर ये अपनी एक पाइप लगी हुई है, ये जो पाइप लगी हुई है, ये इस कलर से येलो, फिर ये पीछे ये जा रही है, ये कौन सी पाइप है? पुल्मोनरी आर्टरी। यानी वेना कावा से आया पहले चैम्बर में, ऊपर आर्टिकल में, सॉरी आट्रियम में, फिर नीचे आया सेकंड चैम्बर, जो नीचे वाला है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से कैसे निकला? पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर निकल के ब्लड कहाँ गया? लंग्स के तरफ गया। और ये ब्लड कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन अपना इधर वाला साइड समझो, दोनों साइड कैसे मिक्स नहीं होती है? ये डीऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजनेटेड साइड समझो। ऑक्सीजनेटेड साइड सबसे पहले ये ग्रीन वाली पुल्मोनरी वीन्स से आया इस पे, ऊपर वाले पे, ऊपर वाला क्या है? आट्रियम, ठीक है, ऊपर आया वीन्स से। फिर ये नीचे इधर आ गया, इधर से कहाँ पे आया? नीचे वेंट्रिकल में, जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है। और वेंट्रिकल से बाहर कैसे गया? ये गया अओर्टा की मदद से। और ये ब्लड किधर गया? बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। और ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड।
अरे यार बॉडी ऑर्गन्स की तरफ कौन सा ब्लड जाएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड लंग्स की तरफ जाएगा। किसके लिए? ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके। कैसे होता है, क्या होता है, सब समझेंगे। ये था एक बेसिक लेआउट। इधर आ जाओ, देखो भाई वहाँ समझाया गया है। ये रही वेना कावा, वेना कावा से यहाँ आया, ये यहाँ पे वॉल्व लगी होती है, ठीक है, वॉल्व से नीचे आया, नीचे वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये निकल गया यहाँ देखो पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू, फिर पुलमोनरी वेन से इधर आया इस वाले तरफ लेफ्ट आर्ट्रियम में, ऊपर वाला क्या है आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर नीचे गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से निकल गया अओर्टा से। ये बेसिक लेआउट तुम समझ गए। अब आ जाओ इधर कि लंग्स का क्या रोल है, कैसे है, वो यहाँ पे समझो। देखो हमने ये जान लिया था कि वेना कावा में, वेना कावा से ब्लड बॉडी से कहाँ आया था, ये देखो कहाँ जा रहा है, हार्ट में, हार्ट में आया था, फिर निकला किससे था, निकला था पुलमोनरी आर्टरीज से, कहाँ पे, लंग्स में, तो लंग्स में आ गया पुलमोनरी आर्टरीज से। फिर ये है लंग कैपिलरीज, यहाँ पे क्या होता है ब्लड का, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होता है, फिर जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो पुलमोनरी वीन से लंग्स से ब्लड आ गया वापस कहाँ पे, ये इधर अपने इस वाले चैम्बर में, और यहाँ से कैसे, वेंट्रिकल में आया, फिर वेंट्रिकल से निकल गया जो हमने ऊपर समझा था अओर्टा की मदद से, अओर्टा से ब्लड कहाँ गया, गया सारे बॉडी ऑर्गन्स में, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन, ऊपर भी कैपिलरीज काम करती हैं लंग में, और बॉडी ऑर्गन में भी सारी कैपिलरीज काम करती हैं। समझ गए पूरा का पूरा बेसिक लेआउट? ये है सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज कहाँ पे होता है, यहाँ लंग में ऑक्सीजनेशन होता है, और यहाँ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वापस वेना कावा के थ्रू हार्ट में आता है। तो डी ऑक्सीजनेटेड आया हार्ट में, फिर वो पंप होके गया लंग्स में, ऑक्सीजनेट होके वापस से पंप होके सारे बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार मिक्सिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक बहुत बड़ी बॉडी को चाहिए होती है हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जिससे बॉडी वर्क कर सके, सच एज बर्ड एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, आ जाओ नीचे फिशेस में क्या होता है, यहाँ पर तो हमने समझ लिया चैम्बर वगैरह। एम्फीबियंस में और रेप्टाइल में होता है थ्री चैम्बर्ड, फिशेस में होता है कितना, फिशेस हैव ओनली टू चैम्बर्ड हर्ट्स। ठीक है, समझ गए। दस ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन दियर फिश, फिश में ब्लड सिर्फ वन जाता है, एक साइकिल ऑफ पैसेज। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द ईस्ट साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट, दिस इज नॉट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, क्योंकि दो बार जाता है हार्ट के थ्रू, हमने यहीं पर समझा था कि दो बार कैसे जाता है, पहले यूं इधर आया, फिर ऊपर गया लंग्स में, फिर आया लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर हार्ट पे ही आया, फिर हार्ट से नीचे बॉडी पे, तो वन दो, दो साइकिल होती है, डबल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। नाउ नीचे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर का चीज, कि ब्लड प्रेशर देखो कैसे लिखते हैं, कभी भी डॉक्टर तुम्हें लिख के देगा तो इस तरह से 120/80, 120 क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर। कैसे मीजर करते हैं, ये जो पंप लगा होता है जिसको तुम कहते हो ये क्या है, किससे खेल रहा है डॉक्टर, ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्यों ज़्यादा होता है? जब आर्टरियोल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अरे ये आर्टरियोल से पाइप है, इससे ब्लड बह रहा है, ये अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई, छोटी हो गई, तो ब्लड फ्लो करने में दिक्कत करेगी, जिससे रेजिस्टेंस होता है ब्लड फ्लो में, इसी को बोलते हैं क्या, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। चलो अब हमने पढ़ा था ऊपर कि पुलमोनरी आर्टरी, पुलमोनरी वेंस कुछ तो होती हैं, और कुछ जाना था अपनी वेसल्स के बारे में, पाइप्स के बारे में। तो देखो ए यानी क्या होता है, ए से याद कर लो, अरे अपनी पाइप यार, आर्टरीज, आर्टरीज, और वी से वेंस। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंस कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड। बट इसका एक्सेप्शन क्या है कि पुलमोनरी आर्टरी कैरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड, और पुलमोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड। ये हमने ऊपर हार्ट वाले डायग्राम में देख लिया, एक्सेप्शन यही है। देन अब यहाँ पर देखो, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कैपिलरीज। पुलमोनरी आर्टरीज, पुलमोनरी वेंस हो या सिंपल आर्टरीज या वेंस हो, ये तो हमने दो चीज़ के बारे में जानी, दो पाइप, दो वेसल के बारे में। बट ये जब डिवाइड हो जाती हैं आपस में, तो एक यहाँ पर एक जो कैपिलरीज बनती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल थिक होती हैं, सिर्फ एक सेल थिक, और यही एक्सचेंज मदद करती है, क्योंकि इतनी पतली होती है कि इसी से एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का ब्लड में एंड सराउंडिंग्स में। चलो आ जाओ, अब जब भी कुछ भी दिक्कत होती है, कहीं भी तुम्हें चोट लगती है, तो ब्लड कैसे रुक जाता है कुछ देर के बाद, लगातार क्यों फ्लो नहीं होता रहता है, क्योंकि ब्लड में होती है प्लेटलेट सेल्स जो सर्कुलेट होती रहती है हर जगह बॉडी में, और जहाँ भी लीक्स होती है उसको प्लग कर देती है, जहाँ भी ब्लड लीक हो रहा है, चोट लगी है, वहाँ पे प्लग कर देती है ताकि क्लॉट बन जाए और ज़्यादा ब्लड ना बहे इंजरी के दौरान। फिर लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक और टाइप का फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है, जिसको लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पूछा जाएगा लिम्फ और ब्लड के बीच, तो तुम्हारे सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। आगे आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये बहुत इजी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, दो तरह से,
एक है अपना रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है, ये मान लो है अपनी रूट, ये जो है ये अपनी रूट है, इसके आसपास ये मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के अंदर है सॉइल। सॉइल में होते हैं काफ़ी सारे आयन्स, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, जो भी लेना है अपने, जो भी लेना है अपने रूट्स को, प्लांट को, लेते हैं ना मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं आयन्स के फॉर्म में। तो ये आयन्स जब रूट के अंदर आते हैं इस तरह से, तो एक डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस आयन्स के डिफरेंस की वजह से, आयन्स का डिफरेंस क्रिएट होता है। सारे आयन्स जब इसके अंदर घुस जाएंगे तो आयन्स का डिफरेंस होगा कहाँ पे, रूट में और सॉइल में। तो सॉइल का वाटर जो है सारा का सारा, वो अंदर चला जाता है इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। यही लिखा है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल याद कर लो, तुम्हें यही एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन्स, आयन्स लेते हैं, जिसके वजह से क्रिएट होता है कंसेंट्रेशन, देयर इज अ डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ द आयन, और वाटर देयर फोर मूव इन टू द रूट फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अब लेकिन ये जो हो पा रहा है, ये तो रूट्स तक ही हो पाएगा, क्योंकि आयन्स नीचे सॉइल में है, ऊपर तक कैसे पहुंचेगा, दिस प्रेशर इज अनलाइकली इनफ, ज्यादा इनफ नहीं है ये ऊपर हाइट्स तक पहुंचाने के लिए पानी। तो उसके लिए पहला ही सिर्फ एक तरीका था, ये दूसरा तरीका एक और है। पहला तरीका रूट प्रेशर, दूसरा तरीका ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, देखो जब भी दिन के टाइम इवेपोरेशन होता है अपने लीव्स से, कैसे, वाटर वेपर की फॉर्म में, सनलाइट जब आती है वाटर वेपर की फॉर्म में, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्टोमेटा से इवेपोरेट होता है। अब यहाँ से जब कोई पानी इवेपोरेट हो रहा है, एक सक्शन क्रिएट होगा, ये देखो ये एरो, ये सारे एरोस के बनाए गए हैं सक्शन, ये प्रेशर हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, तो सक्शन प्रेशर की वजह से जो रूट प्रेशर से यहाँ पानी आया था वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और पूरे प्लांट में पानी पहुँच पाता है। याद रखना कि द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट नाइट। नाइट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, अपना पहला प्रोसेस रूट प्रेशर वाला, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं होती, और दिन में सनलाइट वाला प्रोसेस जो है ट्रांसपीरेशन, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड वाले में बस इतना रखना, ये हमने समझा वाटर का, फूड ट्रांसपोर्टेशन में इतना रखना कि उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और कौन सी हेल्प से होता है, कौन सी ट्यूब से, सीव ट्यूब्स, बस इतना याद रखो, सीव ट्यूब्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विच इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, सीव ट्यूब्स और एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, जिससे अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, बट ट्रांसपीरेशन सिर्फ और सिर्फ जो वाटर का मूवमेंट है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है रूट से ऊपर, बट फूड हर डायरेक्शन में जाता है, यही डिफरेंस है, वहां पे जाइलम, यहां पे अपनी काम आती है सीव ट्यूब्स, ठीक है। चलो अब मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इन टू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू की मदद से सुक्रोज और जितने मटेरियल है वो ट्रांसफर होते हैं, और इसके लिए एनर्जी का यूज होता है एटीपी की फॉर्म में। ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे एनर्जी का यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ह्यूमन बींग में, फिर वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर फोर्थ हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। चलो लास्ट द वेरी लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन पे आ जाओ, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो दिख रहा है स्क्रीन पे, तुम्हारे डायग्राम दिख रहा होगा उसमें देख लो कि ये डायग्राम कितना सिंपल सा है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, नीचे अओर्टा, फिर लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में आ गया है उसको निकालने के लिए यूज होता है यूरिन प्रोडक्शन, उसके लिए ही यूरिन बनती है। और ये कैसे पॉसिबल है, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी, आंसर इज नेफ्रॉन। क्या होता है नेफ्रॉन, ये रहा तुम्हारे सामने, उसमें एक बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरस, फिर ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, और ये आर्टरी और वीन्स लगी होती हैं। अब ये सारा एक्सक्रीशन इस फ्लोचार्ट में अच्छे से समझाया गया है। बाउमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरस जो पहला पार्ट है ना यहाँ पर दिखाया, वही क्या करता है, फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू देम, जो ब्लड पास हो रहा है उसको फिल्टर करता है। फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है वो क्या करता है, वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, कुछ कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब करता है जो इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको ब्लड में भेज देता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, इतना कुछ अब्जॉर्ब कर लिया। फिर कलेक्टिंग डक्ट, अब जो अब्जॉर्ब होने के बाद जो बच गया, छन के समझ लो जो निकल गया, जो बचा वो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, कलेक्ट यूरिन, जो कलेक्ट हो क्या है उसी को बोलते हैं यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन्स एंड जॉइंट्स द यूरेटर। फिर यूरेटर क्या है, अरे किडनी में होता है ना, कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी एंड पास इट टू यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरिनरी ब्लैडर, डायग्राम में क्लियरली दिखता है हमें कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा एंड एक्सक्रीट आउट यूरिनरी फ्रॉम द बॉडी। कौन एक्सक्रीट करता है यूरिनरी फाइनल, फाइनल यूरिन कौन एक्सक्रीट करता है, यूरेथ्रा, सबसे नीचे वाला पार्ट जो यहाँ डायग्राम में तुम्हें दिख जाएगा।
फिर एक बस क्वेश्चन से ही समझा दे रहा हूँ कि जब एक क्वेश्चन आता है ना आखिरी में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कि प्लांट किस किस तरह से करते हैं अपना एक्सक्रीशन, तो वो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन इट्सेल्फ, सबसे पहले ऑक्सीजन ही वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद डेड सेल्स के थ्रू, फिर उसके बाद कुछ लीव्स गिर जाती हैं, फिर सेलुलर वैक्यूल में और रेजिन्स एंड गम्स में, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, और कुछ कुछ अपना वेस्ट सब्सटेंट सॉइल में ही रिलीज कर देते हैं प्लांट्स। ये खत्म हुआ अपना पूरा का पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे स्क्रीन पे। फ्री क्विज, नोट्स, सैंपल पेपर्स अपने फ्री ऐप पढ़ लक्ष्य पर मिल जाएंगे। ये वीडियो सब में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन शेयर देना, मिस ना हो इंडियन चैनल, जा पढ़ ले।